हेलो स्टूडेंट, आई एम योर ज्योग्राफी टीचर विवेक फ्रॉम कैलिफोर्निया पब्लिक स्कूल। स्टूडेंट, टुडे वी डिस्कस हियर द टॉपिक ड्रेनेज पैटर्न। सो व्हाट इज द ड्रेनेज? सो ड्रेनेज ऑफ एन एरिया इज कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ मेन रिवर एंड देयर ट्रिब्यूटरीज विद रिस्पेक्ट टू देयर साइज, नंबर, डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ड्रेनेज बेसिन एटसेट्रा। मीन्स ड्रेनेज की स्टडी हम करते हैं मेन रिवर एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। व्हाट इज द ट्रिब्यूटरीज? अ स्मॉल रिवर फ्लो इनटू अ लार्ज रिवर। जब एक स्मॉल रिवर्स होती हैं जो मेन रिवर से आके मिलती हैं, ओके, वो को ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। तो हम यहाँ स्टडी करें ड्रेनेज में मेन रिवर एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, और इन टू रिवर की स्पेशली देयर साइज, नंबर और डायरेक्शन को हम डिस्कस करेंगे इन ड्रेनेज पैटर्न में, कि साइज, नंबर, डायरेक्शंस, ओके, बी डिस्कस इन द ड्रेनेज पैटर्न। ओके, टू टू थिंग्स इज देयर। फर्स्ट इज ड्रेनेज सिस्टम एंड ड्रेनेज पैटर्न। सो ड्रेनेज सिस्टम रेफर्स टू द ओरिजन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रीम थ्रू द टाइम। टाइम के साथ साथ उनका जो ओरिजन है और डेवलपमेंट है जो रिवर की, उसकी स्टडी करते हैं हम ड्रेनेज सिस्टम में। और पैटर्न मीन्स स्पेशल अरेंजमेंट एंड फॉर्म ऑफ ड्रेनेज सिस्टम इन टर्म ऑफ ज्योग्राफिकल, ये भी कैसे, ज्योमेट्रिकल शेप्स। ओके, सो मीन्स वी हियर डिस्कस अरेंजमेंट। देखो, जो आपके जो स्ट्रक्चर बना रहा है रिवर्स का, अरेंजमेंट ऑफ रिमेन रिवर्स और देयर ट्रिब्यूटरीज, दिस ऑल द ब्लैक लाइंस जो आपको दिख रही है, दिस ऑल द रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। ओके, सो इसी स्ट्रक्चर के बारे में, इसी हम पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे इन दिस टॉपिक। ओके, सो बेसिकली डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रेनेज पैटर्न। फर्स्ट इज डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न, ट्रीलाइज ड्रेनेज पैटर्न, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न, डिसअपीयरिंग ड्रेनेज पैटर्न, एंड वन मोर, पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न। ओके, सो स्टूडेंट, दिस आर फाइव टाइप ऑफ ड्रेनेज पैटर्न। सो एग्जाम में इनकी डेफिनेशन आपको एग्जाम में नहीं आती कि व्हाट इज द डेंड्रिक, व्हाट इज द ट्रिलाइज, रेडियल, लाइक दिस नहीं आता आपको। आपको जस्ट पर्टिकुलर कॉलम गिवन होगा, सपोज करो दिस इज योर गिवन पर्टिकुलर ग्रिड, आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो ब्लैक रिवर्स हैं कौन सा पैटर्न क्रिएट कर रही है, वट एवर डेंड्रिक, वट एवर ट्रिलाइज, रेडियल, डिस्पेरिंग या पैरल, कौन सा पैटर्न यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। और वो पैटर्न आप तभी आइडेंटिफाई कर पाओगे जब आप उनकी शेप को अच्छे से समझोगे कि व्हाट इज द डेंड्रिक, व्हाट इज द ट्रिलाइज, व्हाट इज द रेडियल, व्हाट इज द डिसअपीयरिंग। ओके, एंड आफ्टर दैट यू कैन फाइंड आउट इजली इन योर टोपोशीट व्हिच पैटर्न्स अलाई दिस पर्टिकुलर ग्रिड। ओके, सो वी स्टार्ट हियर। फर्स्ट डेंड्रिक ड्रेनेज पैटर्न। सो डेंड्रिक ड्रेनेज पैटर्न्स आर सो नोन एज ट्री शेप। डेंड्रिक ड्रेनेज पैटर्न को हम बोलते हैं ट्री शेप। देखो, रिवर्स जो होती हैं ऑलवेज आपके टोपो शीट में ब्लैक और ब्लू कलर्स होती हैं। इफ योर रिवर्स इन ब्लैक कलर, दैट मीन्स वो कैसी है, नॉन परिनियर। नॉन परिनियर मीन्स जिसमें पानी ओनली सीजनल आता है वो ब्लैक होंगी, और जिसमें पानी अगर थ्रू आउट द ईयर्स हो, पूरा साल में पानी रहता हो, वो ब्लू कलर में रिप्रेजेंट होती है। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि आपका जो वाटर बॉडीज थी वो ब्लू कलर में होती है। सम ईयर आपकी रिवर्स शो इन ब्लैक कलर्स, दो आर नॉन परिनियर, जिसमें पानी ओनली सीजनल आता है वो ब्लैक कलर्स में होगी। देखो, इन दिस टॉपो शीट सो मेनी ब्लैक लाइंस आर गिवन, दैट मींस दिस ऑल द रिवर्स आर सीजनल। जब रेनफॉल होगी तभी पानी आएगा, अदरवाइज ये ड्राई हो जाएगी। ओके, सो डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न मीन्स ट्री शेप। जहां भी आपको रिवर्स की पर्टिकुलर, जब आपको ग्रिड गिवन होगा आपसे पूछा जाएगा कि वहां जो रिवर्स है वो पैटर्न क्या है।
सो अगर आपकी जो रिवर की शेप लाइक अ ट्री शेप दिखेगी तो उसको बोलते हम डेंड्रिटिक पैटर्न। और फाउंड को इजली हम फाइंड करते हैं, देखो यहाँ पर लाइक जो रिवर्स फ्लो कर रहे साइड, और ये सारे रिवर्स हैं लाइक अ ट्री ब्रांच की तरह, ठीक है, लाइक दिस हियर लाइक अ ट्री ब्रांच की तरह। सो वहां पर क्या होगा, डेंड्रिटिक पैटर्न होगा, के बियर जो रिवर्स क्रिएट अ पैटर्न लाइक अ ट्री शेप। सो डेंड्रिटिक और ट्री शेप ड्रेनेज पैटर्न इज द मोस्ट कॉमन एंड वाइड स्प्रेड पैटर्न टू बी फाउंड ऑन द अर्थ सरफेस। मीन्स अगर आपको एग्जाम में आ रहे हैं सो मैक्सिमम चांस होते हैं इसके आने के, बिकॉज ये जनरल कॉमन पैटर्न है और यू कैन सी एवरीवेयर इजली, ठीक है, लाइक अ ट्री शेप। क्लियर? सो इन दिस पैटर्न द ट्रिब्यूटरीज कम फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस। इस पैटर्न में दिस योर मेन रिवर, सेंटर की मेन रिवर है, ऑल द ट्रिब्यूटरीज, ट्रिब्यूटरी मींस अ स्मॉल रिवर्स फ्लो इनटू अ लार्ज रिवर, जो बाहर से आ रही है स्मॉल रिवर्स और मेन रिवर में आके मिल रही है। तो इन दिस पैटर्न द ट्रिब्यूटरीज कम फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन टू मीट द मेन रिवर्स। ओके, इसको बोलते हम ड्रेनेज पैटर्न। कौन सा? डेंड्रिटिक। ओके, इसकी शेप लाइक अ ट्री शेप। अंडरस्टूड ऑल? योर सेकंड पॉइंट, ट्रिलाइज ड्रेनेज पैटर्न। ओके, इन दिस पैटर्न द ट्रिब्यूटरीज कैन बी सीन मीटिंग द मेन स्ट्रीम एट अ राइट एंगल। राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री। जब आपकी मेन रिवर फ्लो कर रही हो और अदर जो ट्रिब्यूटरीज हैं, स्मॉल रिवर हैं, जो मेन रिवर के साथ मीट करेंगी, जो मीटिंग पॉइंट होगा वो राइट एंगल होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल 90 डिग्री पर मिलनी चाहिए। अगर लाइक दिस पैटर्न आपको दिखेगा, देयर मीन्स ट्रिलाइज पैटर्न है। ओके, दिस इज कॉल्ड ट्रिलाइज पैटर्न। जैसी है, जैसे आपकी मेन रिवर आ रही है, इसके साथ ये जब मीटिंग जो पॉइंट है वो राइट एंगल हो, राइट एंगल, राइट एंगल, सो लाइक दिस, तो यहाँ का राइट एंगल मीन जब आपकी मेन रिवर के साथ अदर जो ट्रिब्यूटरीज हो वो राइट एंगल पर मीट कर रही हो, तो कौन सा पैटर्न होगा? ट्रिलाइज ड्रेनेज पैटर्न। ओके, एंड नाउ रेडियल ड्रेनेज पैटर्न द मोस्ट इंपॉर्टेंट और मैक्सिमम चांस होते हैं, नी अबाउट 60% चांस होते हैं इसके आने के, 60। और दूसरा आपका सेकंड मोस्ट चांस है आपका वो डेंड्रिटिक पैटर्न। ओके, सो बियर रेडियल ड्रेनेज पैटर्न क्या है, थोड़ा ध्यान समझना। रेडियल ड्रेनेज पैटर्न इज आल्सो नोन एज सेंट्रीफ्यूगल पैटर्न। एक होता है सेंट्रीपिटल, एक होता है सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीपिटल होता है जब कोई बाहर से इनसाइड की तरफ चीज आ रही हो, ये सेंट्रीपिटल। और सेंट्रीफ्यूगल होता है जब कोई थिंग्स सेंटर से बाहर की तरफ जा रही हो, ठीक है। तो हियर के आपकी जो रिवर्स है सेंटर से बाहर की तरफ फ्लो करेंगी, एक सेंटर पॉइंट से बाहर की तरफ फ्लो करेंगी। ओके, सो रेडियल ड्रेनेज पैटर्न इज आल्सो नोन एज सेंट्रीफ्यूगल पैटर्न इज फॉर्म बाय द स्ट्रीम्स व्हिच डाइवर्ज फ्रॉम अ सेंट्रल हायर पॉइंट इन ऑल डायरेक्शन। सपोज को इन सम देयर हिली माउंटेन्स देयर, जहाँ हिली माउंटेन वहाँ ऊपर स्नो कवर होगी, तो यहाँ से जब पानी निकलेगा या हो सकता है कि रेनफॉल होगा, वाटर आपका ऑल डायरेक्शन फ्लो कर जाए, तो मीन्स यहाँ से वाटर आपका फ्लो करेगा इन ऑल डायरेक्शन को। ओके, सो दैट सिचुएशंस हम बोलेंगे रेडियल, जब सेंटर पॉइंट से पानी आपका ऑल डायरेक्शन की तरफ फ्लो कर रहा है, उसको रेडियल पैटर्न। जस्ट एग्जाम्पल हेयर, सी दिस वन, दिस आर द ब्राउन लाइन, यू कैन सी केयरफुली, सो मेनी ब्राउन लाइन, दिस आर द कंटूअर्स। और ये हाई एरिया है, नी बॉर्ड्स की जो हाइट है वो 348 मीटर अबव द सी लेवल। सो यहाँ से जो रिवर्स ऑरिजिनेट इन ऑल डायरेक्शन इज कॉल्ड रेडियल पैटर्न। इनको बोलेंगे हम रेडियल पैटर्न। वेन योर रिवर्स स्टार्ट सेंटर पॉइंट इन ऑल द डायरेक्शंस, ओके, लाइक दिस हियर आल्सो, लाइक दिस ऑल डायरेक्शन में रिवर फ्लो करेगी, तो वो कौन सा हुआ? रेडियल पैटर्न हुआ। ओके, एंड ऑफ दैट डिस अपीयरिंग ड्रेनेज पैटर्न। अब डिस अपीयरिंग जो है, जो मीन्स पहले अपीयर था
उसके बाद डिसअपियर हो गया। तो ये ऑलवेज रिप्रेजेंट होगा ब्लैक लाइन, पहले आपकी प्रॉपर ब्लैक लाइन लगी होगी, ऑफ दैट ब्लैक डॉट लगी होगी। ओके अब इस तरह की रिवर्स बेसिन कहाँ मिलेगी? इन डेजर्ट एरियाज, जहां शॉर्टेज ऑफ वाटर हो, और जब रिवर में वाटर कम होगा तो जहां डेजर्ट रीजन आएगा तो वाटर वो अंडरग्राउंड चला जाता है। ओके तो रिवर यहां तक दिख रही है, जहां शॉर्टेज ऑफ वाटर होगी आगे वो डिसअपियर हो जाएगी, दिखाई नहीं देगी। तो लाइक दिस जब स्ट्रक्चर आपको दिखेगा उसको होते हैं डिसअपियरिंग पैटर्न, और ये स्पेशली कहाँ मिलेगा? इन डेजर्ट रीजन में। अगर वी टॉक अबाउट डेजर्ट, तो डेजर्ट जो टोपोशिश में होते हैं इन ब्राउन कलर्स, ब्राउन कलर के डॉट जो होंगे दैट मीन्स वो सैंडी एरिया है, डेजर्ट रीजन है। ओके और इन ब्राउन डॉट बीच में अगर ब्लैक लाइन आ रही हो और आगे ब्लैक डॉट लगे हो दैट मीन्स वो डिसअपेयरिंग ड्रेनेज पैटर्न है। इन दिस ड्रेनेज सिस्टम द स्ट्रीम एंड ट्रिब्यूटरीज बिफोर रीचिंग द मेन रिवर डिसअपियर इनटू द सॉयल ऑफ पोरस नेचर, मीन्स आपके जो डेजर्ट होते हैं पोर्स बहुत जाते हैं, में होस होते हैं नेटिव। ओके तो ड्यू डेट आपका जो वाटर होता है उसकी इनसाइड चला जाता है और वो डिसअपीयर हो जाती है बिफोर रीचिंग द मेन रिवर, वो दिखना बंद हो जाती है, मेन रिवर से वो जाके नहीं मिलती है। ओके इसको कहते हैं डिसअपीयरिंग ड्रेनेज पैटर्न। ओके जस्ट ये एग्जांपल, दिस इज ब्राउन डॉट, दिस इज योर सैंड डूंस एंड योर ब्लैक लाइन, और हियर डॉट इज गिवन, दैट मीन्स ये पानी आ रहा है और डिस्क में आके डिसअपीयर हो गया लाइक दिस। ये स्ट्रक्चर आपको दिखेगा दैट मीन्स आपका क्या है? डिसअपीयरिंग ड्रेनेज पैटर्न। ओके एंड पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न मीन्स पैरेलल मीन्स दो दर पैरेलल, नेवर इंसेक्ट विच आपस में नहीं मिलेंगे। तो पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न कंप्राइजेस न्यूमरियस रिवर्स विच आर पैरेलल टू द ईच अदर एंड फ्लो फॉलो द रीजनल स्लोप, जो भी पार्टिकुलर रीजनल स्लोप होगी उसको फॉलो करते हुए आगे मूव करेगी। कोई आपका लाइक माउंटेन रीजन है तो स्लोप के अकॉर्डिंग इस तरह फ्लो करेगी, वो पैरेलल मूव करेगी। ठीक है लाइक दिस सो मेनी रिवर्स, जो मेन रिवर्स है फ्लो इन द पैरेलल टू ईच अदर। ओके मीन्स देयर ट्रलाइज दे मीट विद द मेन रिवर्स इन राइट एंगल, डेंड्रिटिक लाइक ए ट्री शेप, पैरेलल रेडियल मीन्स सेंटर पॉइंट से और साइड मूव करेंगी, और डिसअपीयरिंग पैटर्न दिस वन। ओके तो दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक टू बी डिस्कस हियर, द पैटर्न ऑफ ड्रेनेज। ओके सो वी डिस्कस हियर बेसिकली फाइव टाइप ऑफ डेंड्रिटिक, फर्स्ट इज डेंड्रिटिक, सेंट्रलाइज, रेडियल, डिसअपीयरिंग और पैरेलल। ओके सो डेंड्रिटिक में डिस्कस किया हमने फर्स्टली कि लाइक अ ट्री शेप आपको जब दिखेगी इन रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज लाइक कॉल्ड डेंड्रिटिक, एंड वेयर मेन रिवर्स फ्लो हो रही हो और ट्रिब्यूटरीज मीट विद द मेन रिवर्स इन राइट एंगल इज कॉल्ड ट्रिलाइज, रेडियल मीन्स इज फॉर्म बाई द स्ट्रीम विच डाइवर्स फ्रॉम अ सेंट्रल हायर पॉइंट इन द ऑल डायरेक्शन, जस्ट सेंट्रल पॉइंट से सराउंडिंग ऑल साइड फ्लो कर रही हो। ओके एंड डिसअपीयरिंग पैटर्न मीन्स इन दिस ड्रेनेज सिस्टम द स्ट्रीम एंड ट्रिब्यूटरीज बिफोर रीचिंग द मेन रिवर डिसअपीयर इन टू द सॉयल। ओके एंड पैरेलल दोज आर फ्लोइंग पैरेलल टू ईच अदर। ओके अकॉर्डिंग टू रीजनल स्लोप, दिस इज योर टॉपिक टू डिस्कस ड्रेनेज पैटर्न हाउ वी फाइंड आउट इन अ टोपोशीट। ओके मैं अगेन बोल रहा हूँ आपको एग्जैक्टली डेफिनेशन ही आएगी कि बट इज द रेडियल, बट इज द ट्रिलाइज, बट इज द डेंट्रिक या बट इज द डिसअपीयरिंग, मीन्स आपको पर्टिकुलर ग्रिड गिवन होगा इन योर टोपोशीट, आपको वो आइडेंटिफाई करना है विच पैटर्न अलाई दिस पर्टिकुलर टोपोशीट। ओके थैंक यू जी।